हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी किचन यानी श्वेता की किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं भरमा करेले, तो देख लेते हैं उसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। तो सबसे पहले मैंने ये 3 से 4 प्याज लिए, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये मैंने करेले लिए थे, इनको धो के और मैंने नमक लगा के रख दिया था, यानी 4 से 5 घंटे इनका कड़वापन कम हो जाए। ये मैंने एक आमी ली है, यानी कच्चा आम लिया है, इसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये 4 से 5 मैंने लहसुन ली है, इसको भी कद्दूकस कर लिया है। ये पिसी हुई सौंफ है, ये धनिया पाउडर, नमक और ये लाल मिर्ची पाउडर और ये हल्दी। आइए चलिए अब इसको बनाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक पैन ले लिया, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से गर्म होने दूंगी। फ्रेंड्स, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो उसके अंदर मैं सबसे पहले ये प्याज डाल रही हूँ जो मैंने कद्दूकस करे हुए थे। ये मैंने आपको पहले बताया था मैंने 3 से 4 लिए हैं। आप अपने करेले के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, जितने भी आपके करेले हैं। तो अब मैं इनको इस तरीके से चलाऊंगी और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी। फ्रेंड्स, प्याज हमारी देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो अब मैं उसके अंदर ये लहसुन डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और इसको भी इसी के साथ 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से पकाऊंगी। फ्रेंड्स, प्याज हमारे भुन चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो अब इसके अंदर मैं ये आमी डाल रही हूँ, ये मैंने छोटी ली थी यानी कच्चा आम, और इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स करूंगी और इसको भी 1 से 2 मिनट ही पकाऊंगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाता है। तो इस तरीके से मैं इसके अंदर मिक्स करके इसको पकाऊंगी। फ्रेंड्स, आमी हमारी पक चुकी है, तो अब इसके अंदर मैं 1 बड़ी चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। और 1 छोटी चम्मच मैं ये हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, तो इनको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। अब उसके बाद और मसाले डालूंगी, ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं 1 बड़ी चम्मच सौंफ डाल रही हूँ और ये 2 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, ये भी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, आप जैसा खाते हैं। तो अब इनको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इनको पकाऊंगी और ये बनके बिल्कुल रेडी है, और फिर इसको ठंडा होने के लिए मैं रख दूंगी। फ्रेंड्स, इसको मैंने अच्छे से पका लिया है, यानी सारे मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं, यानी स्टफिंग हमारी तैयार है करेले के अंदर भरने के लिए। तो अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और इसको मैं प्लेट में निकाल दूंगी कि ये ठंडा हो जाए, और फिर हम करेले के अंदर इसकी स्टफिंग करेंगे। फ्रेंड्स, स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है, तो अब मैं इस तरीके से करेले लूंगी। ये मैंने इसके बीज निकाल दिए थे, अगर बीज नरम है तो आप छोड़ सकते हैं, और अगर वो थोड़े पके हुए तो आप उनको निकाल दें। तो मैं इस तरीके से इसको स्टफिंग कर रही हूँ, यानी इसके अंदर ये भर रही हूँ मसाला, और ये धागे से मैं इसको पैक कर दूंगी कि जो हमारी स्टफिंग है वो निकले ना बाहर। तो आप बिल्कुल हल्के हाथों से इसको इस तरीके से पैक कर दें। इसी तरीके से मैं ये दूसरा करेला भरूंगी। आप हाथ से या चम्मच से जैसे भी आपको ठीक लगे आप इसको भर सकते हैं, और इसको इस तरीके से फिर से कवर कर दें कि जो हमारी स्टफिंग है, अभी हम इसको तलेंगे तो ये निकले ना बाहर, और इसको इस तरीके से रख दें। इसी तरीके से मैं अपने सारे करेले भर लूंगी। फ्रेंड्स, मैंने सारे करेले भर लिए, यानी इनकी स्टफिंग कर ली है। आइए अब इनको बनाते हैं, तो चलते हैं गैस की ओर। फ्रेंड्स, मैंने एक कढ़ाई ले ली, कढ़ाई के अंदर मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल को मैंने पहले से ही प्रीहीट कर लिया था, तो अब इसके अंदर मैं एक एक करके करेले डालूंगी जो मैंने स्टफिंग करके रखे हुए हैं।
तो मैं इस तरीके से एक एक करके करेले डाल रही हूँ। तो आप इस तरीके से इसमें डाल दें एक एक करके। तो मैं ये सारे करेले इसके अंदर डाल दूंगी। आप बस इस बात का ध्यान रखें कि आपका हाथ ना जले और आप आराम से इसको रख दें। अब मैं फ्रेंड्स करेलों को मैं एक तरफ यानी ढककर पकाऊंगी। एक साइड हमें ढककर पकाना है इन्हें 5 मिनट और गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। मैंने इस तरीके से ढक्कन लगा दिया है, तो आप 5 मिनट इसको ढककर पकाएं और गैस का फ्लेम मीडियम रखें। फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इस तरीके से ढक्कन हटा रही हूँ और इसको पलटूंगी, यानी करेले को हमें पलटना है कि ये दूसरी तरफ से भी पक जाए। तो आप धीरे धीरे हाथों से इनको पलट दें। मैं इस तरीके से सारे करेले पलट दूंगी। और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इसमें जरूरी होता है करेले बनाते समय कि हम करेले को अच्छे से छील लें और फिर उनको नमक लगा दें, यानी नमक से हमें उनको पूरा कोट करना होता है कि अच्छे से नमक से कोट हो जाए, और 2 से 3 घंटे हमें उनको रखना होता है। तो मैं इस तरीके से ये ढक्कन लगा दे रही हूँ। 2 से 3 घंटे आप नमक लगा के उनको रख दें और फिर 2 से 3 घंटे के बाद उनको अच्छे से पानी से वॉश कर लें और फिर उसकी स्टफिंग करें जैसे मैंने आपको बताया है। फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इस तरीके से ढक्कन हटा रही हूँ। तो करेले हमारे बन के रेडी हैं, तो मैं गैस बंद कर रही हूँ और इनको गर्मा गर्म सर्व करूंगी। फ्रेंड्स करेले बनके हमारे रेडी हैं, तो आप इनको रोटी के साथ या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं और ये बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये आपके फेवरेट बन जाएंगे। तो अगर आपको मेरे करेले की यानी भरमा करेले की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।